हेलो दोस्तों, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। तो आप लोग कैसे हैं बताएं फ्रेंड। तो मैं आज आपको वीडियो में ये बताऊंगी कि गर्मियों में कान्हा जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो मैं अपने माधव जी को, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अपने माधव जी को गर्मियों में शाम को जैसे ज़्यादातर दही हो गया, सुबह में दूध पिला देती हूँ, फिर उनको हल्का ही मैं भोजन कराती हूँ। ज़्यादा ऑयली चीज़ें मैं अपने माधव जी को नहीं खिलाती हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि हमारे जैसे माधव जी हैं, ज़्यादा फ्रूट खाएंगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे और बिना मसाले, बिना तली हुई चीज़ें खाएंगे तो हमारे माधव जी स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मेरा भाव है। तो मैं अपने माधव जी को आज, मैंने इनके लिए रात में दही और पोहे और ड्राई फ्रूट है और बर्फ़ी है, इससे मैंने भोग लगाने के लिए सोचा था। तो फिर मैं यही बनाई फ्रेंड आज। तो क्या हुआ कि आज मैं माधव जी को दिन में मैंने इनको अच्छे से खाना वाना खिला दिया था, दाल चावल रोटी सब्जी, फिर दूध भी पिला दिया, फिर आम भी खाए थे माधव जी मेरे। तो इसलिए मैंने सोचा शाम को आज ज़्यादा गर्मी है तो अपने माधव जी के लिए मैं यही दही मंगा लेती हूँ और पोहे बना लेती हूँ। तो शायद आज मेरे माधव जी का मन किया होगा। फ्रेंड, गर्मियों में आप लोग सेवा करें तो माधव जी का ज़्यादातर गुलाब जल, केवड़ा जल ये ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि माधव जी को बहुत पसंद है। वो केवड़ा जल और गुलाब जल से नहा के बहुत खुश होते हैं, उनको इत्र की खुशबू अच्छी लगती है। केवड़ा जल, गुलाब जल में खुशबू कितनी अच्छी आती है और ठंडक भी होता है। तो आप लोग ज़्यादातर केवड़ा जल और गुलाब जल रोज़ नहाने में प्रयोग किया करिए। और मैं अपने कान्हा जी को रोज़ शहद से नहलाती हूँ। मैं ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें मैं नहीं लगाती हूँ अपने लाडले जी को, कि मेरे लाडले जी का स्किन ख़राब हो जाएगा। तो मैं अपने माधव जी को ज़्यादातर शहद से ही नहलाती हूँ और उसमें केवड़ा जल और गुलाब जल मिक्स कर लेती हूँ, फिर मेरे माधव जी उसी से नहाते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे माधव जी को मालिश की अच्छे से ज़रूरत है, तो मैं माधव जी को शहद के साथ भूरा दही और इन सब चीज़ों से स्नान कराती हूँ। और एकादशी के दिन तो चावल का भोग नहीं लगता, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा फ्रेंड। तो माधव जी को मैं, जैसे गलती से कभी चावल बन भी जाता है तो मैं माधव जी को भोग लगा देती हूँ। तो फिर भोग लगाया चावल हम लोग खा सकते हैं प्रसाद रूप में, क्योंकि जगन्नाथ पुरी में तो चावल का भोग लगता है। अगर गलती से हम बना भी लिए तो भगवान को भोग लगाने के बाद हम उसको पा सकते हैं, ऐसा हमारे गुरुदेव का कहना है। जो हमारे गुरुदेव जी हैं उनकी वाणी ये है कि हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, जो भी हम थोड़ा सेवा करें लेकिन मन लगा कर करें, और पूरे दिन हमारे नाम जप अंदर अंदर चलना चाहिए, इससे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप लोग मेरा साथ दें, और जो कुछ भी आप पूछेंगे उसी के आधार पे मैं वीडियो बनाया करूँगी फ्रेंड। तो प्लीज़ मेरा हेल्प करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर कोशिश करूँगी। सबको राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधे राधे।